मैं अपने घर वालों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे ससुराल वालों को परेशान ना किया जाए। हम लोग जो भी किए हैं अपनी मर्जी से किए हैं और हम दोनों बालिग हैं। ये हम लोग का आधार कार्ड है। हम लोग अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं और मुझे प्रशासन से भी अनुरोध है कि मेरे घर वाले मुझे मारने की बार बार धमकी दे रहे हैं, इसलिए हम अनुरोध है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। और मेरे घर वालों से फिर से अनुरोध है कि मेरे ससुराल वालों को टॉर्चर ना किया जाए और मेरे छोटे देवर को छोड़ दिया जाए। और किसी तरह की परेशानी हम लोग को होगी तो इसके ज़िम्मेदार मेरे माँ बाप होंगे। हम लोग शादी कर चुके हैं, बस मुझे प्रशासन से अनुरोध है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। पापा जी, हम अपने मर्जी से शादी किए हैं, हमको कोई बहलाया फुसलाया नहीं गया है। हम राज के साथ खुश हैं और मेरे ससुराल वालों को परेशान करना बंद कर दीजिए लो और मेरे छोटे देवर को वहाँ से बाहर निकालिए लो। इसमें इनके घर वालों का, इनके दोस्तों का कोई हाथ नहीं है। जो भी हुआ है हम दोनों किए हैं लो, इसलिए इनको परेशान करना बंद कर दीजिए लो। पर हमें मालूम नहीं किया, वो अचानक लड़की लेके भाग गए तो लड़की वाला हमें द्वार पर आयल कहता कि लड़की कहाँ गया। तो हम लड़की वाला से मालूम चल कि लड़का भागल बैठे। ओकरा बाद से वो लड़की वाला के भाई रहे, वो लड़की के मौसीरा भाई रहे, बार बार जान से मारे की धमकी था। एगो लड़की लेके भागल बा, वो लड़का के दोस्त बड़ा सन तो ओकनी लेके बार बार जान से मारे के ओकनी लेके धमकी आते रहे कि उन्हें पता बता दे कि कहाँ बड़ा सन। लड़का बार बार डरात रह सन कि भैया है तेरे बात बटे या कहीं भाई हमारा तो कुछ नहीं गलम तो नहीं कहाँ से बताई। अब बार बार फिर प्रशासन आए तो छोटका भाई के टांग के ले गए, दो दिन रख ले। फिर से वहाँ पर घेर लो लड़की वाला कि हम ना जाए दें, जब तक लड़के वाला ना लड़की ना आई तब तक हम लड़के ना जाए दें। हम लोग के किडनैपिंग के केस कैले बा पूरा फैमिली पर, पूरा फैमिली की जान से मारे धमकी देते कि हमारा लड़की चाहिए ना, तो तू लोग घर ईटा ईटा बेचवा दें। पुलिस घर पे भी आया था? हाँ, पुलिस घर पे आया था। रात को बोला था कि मतलब आया था हमको पकड़ने के लिए, लड़का को बड़ा भाई को, तो वो नहीं था तो छोटा भाई को पकड़ के ले गया। बोला कि अगर वो नहीं आएगा तो घर में किसी ना किसी को पकड़ के ले जाएंगे और उसका ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे जब तक लड़की नहीं आएगी। पापा जी, हम अपने मर्जी से शादी किए हैं, हमको कोई बहलाया फुसलाया नहीं गया है। हम राज के साथ खुश हैं और मेरे ससुराल वालों को परेशान करना बंद कर दीजिए लो और मेरे छोटे देवर को वहाँ से बाहर निकालिए लो। इसमें इनके घर वालों का, इनके दोस्तों का कोई हाथ नहीं है। जो भी हुआ है हम दोनों किए हैं लो, इसलिए इनको परेशान करना बंद कर दीजिए लो। मैं अपने घर वालों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे ससुराल वालों को परेशान ना किया जाए। हम लोग जो भी किए हैं अपनी मर्जी से किए हैं और हम दोनों बालिग हैं। ये हम लोग का आधार कार्ड है। हम लोग अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं और मुझे प्रशासन से भी अनुरोध है कि मेरे घर वाले मुझे मारने की बार बार धमकी दे रहे हैं, इसलिए हम अनुरोध है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। और मेरे घर वालों से फिर से अनुरोध है कि मेरे ससुराल वालों को टॉर्चर ना किया जाए और मेरे छोटे देवर को छोड़ दिया जाए। और किसी तरह की परेशानी हम लोग को होगी तो इसके ज़िम्मेदार मेरे माँ बाप होंगे। हम लोग शादी कर चुके हैं, बस मुझे प्रशासन से अनुरोध है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए।